बियॉन्से शर्मा जाएगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। हेलो गाइस, तो आज मैंने एक मैं फोन पे बैठा हुआ था, गाना सुन रहा था, नॉर्मल एवरीडे का गाना सुन रहा था, मजे से एकदम बढ़िया टाइप के मस्त जस्टिन बीबर गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाला गाना, एकदम ओपी गाने। सडनली मेरे पॉकेट में गाना बदला और फिर मैंने एक ऐसी चीज क्या मैंने ऐसी चीज सुन ली कि मेरी आत्मा कह रही है भोसड़ी के कण में उंगली कर दूंगा। और बाप रे बाप, मेरी आत्मा बोल रही है या तो मैं मर जाऊंगा या तो आत्मा मेरा गला दबा के मर जाएगी। आज मैंने एक ऐसा गाना सुना जिसको सुन के मेरी आत्मा मेरी जान इनटू 500 करने वाली थी, मारने वाली थी इनटू 500। इस गाने का नाम है गोरी लड़कियां तुझको देख के पियोन से शर्म आ जाएगी। वही है ना, तू पिटेगा बेंट, तू पिटेगा, तूने स्क्रिप्ट चेंज किया है। तो आज हम बात करेंगे अनन्या पांडे की नई मूवी जो आ रही है, उसका एक गाना है गोरी लड़कियां तेरे को देख के बियॉन्से शर्म आ जाएगी। कुछ भी बना लेते यार, गाना तो सेंस तो बनाओ, सेंस सेंस बे, दिमाग कहां बेच के आ जाते हो तुम लोग। इस गाने को सुन के ना मेरे मुंह से सिर्फ एक चीज निकलती है, वो है ये और फिर और उसके बाद जी वालों ने इतना भयंकर तरह का बकवास की ना कि इस बंदे की वीडियो देख के मैंने एक चीज मान ली कि हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री का कुछ नहीं हो सकता, जो है ये। बॉलीवुड को लगता है कि इनके एक गाने से बियॉन्से शर्मा जाएगी। बियॉन्से का नेटवर्थ 400 मिलियन डॉलर्स यानी 28 बिलियन रुपीस और इंडिया की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का नेटवर्थ 15 बिलियन रुपीस। उसके बच्चे तुम्हारे को पॉकेट मनी के पैसों से खरीद सकते हैं। और फिर अगर हम लोग की म्यूजिक इंडस्ट्री तब भी हम इतनी बार मीम्स बना के चीज बोल के बोलते बस करो बहन भैंस भोंसड़ी के साले नहीं बन सकते ऐसे गाने, तुमसे बेटर तो जस्टिन बीबर गाने बनाते हैं और वो तो सिर्फ एक चीज बोलता है सॉरी, सॉरी भी तुम लोग को है वही, और तब भी तुम लोग की क्या होती है, तुम लोग कुछ ही समझ नहीं आता, तुम लोग सिर्फ एक ही चीज बनाते जो है ये बियॉन्से शर्मा जाएगी। और इस गाने के बाद भी अगर किसी ने कुछ कहा, भाई मैं कह सकता हूँ किसी बंदे ने कहा कि दिस इज अ ओपी गाना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ओपी वर्ड का बकचोदी कर दी है। ओपी वर्ड खुद कहेगा मुझे मार दो, विनोद खुद कोने में रो रहा है कि भैया क्या ट्रेंड बन रहा है आजकल, जो ट्रेंड इंडिया का तो हमेशा ही आदत है कि कुछ भी ऐसी बकचोदी कर लेंगे और वो ट्रेंड बन जाती है। तुम गाड़ी से उतर रहे हो वो ट्रेंड, तुम हग रहे हो वो ट्रेंड, साला तुम खाना खा रहे हो कैमरे के सामने वो भी ट्रेंड बन जाएगा, और अगर तुम मेरा फोन कवर लेके तोड़ के पीछे फेंक दोगे वो भी ट्रेंड बन जाता है। ट्रेंड का मतलब होता है सही चीज, चैलेंज का मतलब जो चैलेंजिंग होता है। की चैलेंज क्या था, आइस बकेट चैनल में तब भी गांड फटती थी क्योंकि बर्फ सीधा जब लगती है ना अंदर तो भैया गांड इंटू 500 फट जाती है, वो भी भयंकर तरीके से। बट एक चीज बोलूंगा, इसने गाना वालों ने इतना स्ट्रगल नहीं किया ना उतना अनन्या पांडे ने इस गाने की बकचोदी में कर दी है, क्योंकि अनन्या पांडे को समझ नहीं आया गाना क्योंकि उसको तब भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो तब भी अपने स्ट्रगलिंग की गाथा ही बताएगी। बट एक चीज समझ नहीं आ रही, साले जो सिंगर थे उन लोग को क्या हुआ, तुम लोग के अंदर दिमाग है कुछ भी बना दोगे। मतलब कल के दिन अनार में से जूस निकला, जूस बना, चिकन बना 69 बना, उस पर भी गाना बन जाएगा, चिकन है 69 अनार का जूस है, अनार के जूस से निकला अनार का जूस। मैंने बकचोदी की सिंगल्स बन गए बकचोदी, मेरे नाक में खुजली हुई, मेरी नाक की खुजली,
अरे यार तुम लोग कुछ भी पका, कुछ भी, मतलब कल के दिन अगर बोल दिया कि बच्चे ने 36 मंजिले कूद किया और वो हो गया दुनिया का फैन यार। बट एक चीज बोलूंगा, इस गाने को सुनने के बाद मेरे आंख कान पैर मुंह सब सब 2 सेकंड के लिए पैरालाइज हो गए। मैं मेरी थिंकिंग नर्व जो होती ना वो एकदम से बोलती भैंचूत मैं जा रही हूं बाय। बट नहीं, उसके 2 मिनट के बाद मैंने अपनी थिंकिंग सेल्स को लेके मैंने अपने अंदर घुमाया और बोला कि ये गाना चूतिया है, लोगों का चूतिया बना रहे हैं लोग और बॉलीवुड मजे से चूतिया बनाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले सड़क टू के साथ बनाया था, लोगों को लगता है अभी भी बढ़िया मूवीज जो है इन लोगों को लगता है ना वही घिसी पिटी रोमांटिक मूवी को चेप के फिर से दिखा देंगे और लोग कर गए ओपी है, ओपी एकदम ओपी है, भैंस क्या ओपी नहीं है, चूतिया है। ऐसी मूवीज बना के लोग कमाते नहीं, लोग सिर्फ लात खाते हैं। और जो लोगों को पता है आप जानते हो मैं किसके तरफ टारगेट कर रहा हूं, और उन लोगों को यही चुतियाप करने में मजा आता है। बट मैं एक चीज बोलूंगा, इस गाने को लोगों ने सिर्फ एक हफ्ते में गाना बदल दिया, लाइन बदल दी, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल गई। और क्या किया, अब दुनिया ही शर्मा गई। नहीं तो तुम लोग की ना कुछ भी नहीं है, घंटा तुम लोग कुछ शर्मा पाते हो। जी वालों को समझ नहीं आता गाना किसी पे भी बना सकते हैं। समझ नहीं आता क्या करना चाहते हैं लोग, एक हफ्ते में गाना बदल दिया और ओरिजिनल गाने को डिलीट कर दिया। अबे डिलीट करने कुछ नहीं होता है, 50 लोगों ने यूट्यूब पर डाला हुआ है और तुम लोग पे 50 रोस्ट हो चुके। बस इस बंदे ने जो वीडियो बनाई है मस्त है, बट वो बंदे ने जो वीडियो बनाई, दिस गाय ने ऐसा डिस्क्राइब किया इस गाने को, मतलब कान फटके 500 हो गई उन लोगों की, हम लोग की नहीं, तभी तो इन्होंने डिलीट कर दी वीडियो। बट एक चीज हूं, इस गाने को सुन के अगर आपकी आत्मा नहीं गई तो लाइक, अगर आपकी आत्मा गई तो लाइक मारना, नहीं गई तो डिसलाइक मार देना, वही है। तो आज के लिए इतना ही, मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि और मैं डिस्कस नहीं कर सकता, अगर ज़्यादा डिस्कस किया तो मैं शर्मा जाऊँगा। तो चलते हैं, मैं जाता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करके शर्माइए, और हम भी जाते हैं स्ट्रगल करिए अनन्य पांडे की तरह, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो बाय। से शर्मा जाएगी। ये दुनिया शर्मा जाएगी। चला जा भोसडी के अदा तेरी बात।